ये मैंने आइसक्रीम स्टिक ली है, वही चिकन का कबाब था, उसको मैंने उसको हाथों से यूं बना कर करके इसके ऊपर अंडा और ब्रेड क्रम की कोटिंग लगा कर फ्रिज में रख दिया था, तो ये बर्फ़ वाले हो गए हैं। प्योर चिकन का कीमा है जिसको मैंने ग्राइंड करके, आपको पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, कोफ्ते जिसे आप कोफ्ते भी बना लें, शामी कबाब भी बना लें, डोनट, अभी मैंने ना इसी कबाब के वो चिकन डोनट्स बना कर रखे हैं होल करके, वो भी इंशाल्लाह टाइम ही नहीं मिलता, मैं जल्दी जल्दी बना रही होती हूँ तो वो रेसिपी का टाइम नहीं मिलता, तो अभी हम ये सब चीज़ की तैयारी रखें। बाकी मैंने दही बड़े बना, दही फ्रिज में रख दिया है, आज छोले नहीं, मना कर दिया था बच्चों ने छोले नहीं खाएंगे, और फ्रूट चाट शरबत वो फ्रिज में है, तो जब फ्राई करेंगे फिर आप आइएगा, हम अपना काम कर लेते हैं। ये मैं दही बड़े के लिए पानी में गिरा पानी, ये पानी में नमक डाल के मैंने रख दिया है, छोटी छोटी जो है मैं ये डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा पानी में नहीं रखना क्योंकि ये बेसन की है, इसमें माश की दाल की भी बनती है और कुछ जो है वो मूंग की दाल की भी बनाते हैं, वो डिफरेंट है। इसमें मैंने सिर्फ एक चुटकी सोडा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, नहीं तो ऑयल बहुत पीता है सोडा, आप नोट कर लीजिएगा। आप ये जो मैं जो पकौड़े और ये सब बनाती हूँ इसमें मैं बिल्कुल भी सोडा नहीं डालती क्योंकि वो फुला तो देगा लेकिन फिर वो नुकसान भी करेगा साथ में, वो मैं नहीं डालती। तो अभी ये हो रहे हैं, उसके बाद मैं इसे पानी में डालती हूँ, वो दिखा के फिर ये हट जाएंगे। ये देखें छोटे छोटे जो है मैंने बनाए थे, अब ये देखें एक चुटकी सोडा डाला है तो ये इतने फूल गए हैं, बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे छोटे लड्डू, तो ऐसा हट जाना है। ये थोड़े से फ्राई हो गए नीचे, ऊपर से तो हो गए हैं, जो अब मैंने पलटा किया है, ये अपनी जगह खुद ही छोड़ दी है, इसको फिर पलट दें, जो अभी किए थे वो मैं पलट रही हूँ, उसके बाद इसे पानी में डालूँगी मैं। ये हो गए तैयार, अब बिस्मिल्लाह करके इसे पानी में डाल दूँगी। ये मैंने छोटे छोटे जो हैं बेसन के बनाए हैं, आज मीठे बेसन के दही बनाए हैं, ये बन गए। अब ये और मैं एक और आइटम डालूँगी, ये मैंने बना कर रखा हुआ है, अब ये इसमें डाल के फिर दूसरा आलू की चिप्स और फिर मिर्चों की तरफ चलेंगे। ठीक है, हटिए बेटा। ये मैंने दही को चीनी डाल के फेंट के रखा था फ्रिज में ताकि ठंडा हो गया, और ये हमारी मैंने ज़्यादा देर इसे नहीं भिगोना, विद इन 4 to 5 मिनट भिगो के निकाल देंगे, उसके बाद मैं ये सारी बिस्मिल्लाह करके इसमें डाल दूँगी। दही खुदा का वास्ता पानी ना पीजिएगा, फिर वो पनीली पनीली हो जाती हैं, दही थोड़ा सा गाढ़ा रखें ताकि अच्छा रहे। ये तैयार हो गई है, हमारे पास दही बड़ा मसाला जो मौजूद है वो आप डालना चाहें वो डाल दें, ये मिसाल में हमारे साहबजादे जो हैं वो दही बड़ा मसाला है, ये एक चुटकी ऊपर से डाल दिया, खूबसूरती देगा। ये हमारा दही बड़ा मसाला ये तैयार है, अब ये फ्रिज में जा रहा है। ये हमारी मिर्चें, अब सेकंड ट्रिप जो है हमने अपनी कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, बिस्मिल्लाह करके ये चूल्हा हमारा गर्म ही है, सही है इतना, फिर वो दिख रहा है, ये ऐसे करके सारी मिर्ची छोटी छोटी इसके बीज निकाल दीजिएगा, अगर बीज खाने वाले बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं तो मैं इसलिए ये इस तरह करके मैं सारी डाल दूँगी। ठीक है, अब मैं आलू की चिप्स जो है मैंने बैटर में डाल दी है और मैं अब जो है वो तलना शुरू कर रही हूँ, और मेरे बड़े साहबजादे की जो हालत है वो थोड़ी सी ढहें हो रही है, अभी इंस्टीट्यूट से आए थे और अब लेटे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, वो भाग कर आ गए पीछे, अभी वो जो डोज चल रहा है हमने पिछले दिनों दिया था, क्या करें चलता है, डोज बगैर लिए जो है वो लाइफ चलती नहीं है, तो ये अब ये चीज़ चल रही है, अब ऐसे ही करके मैं सारे आलू की चीज़ देखिए, मैंने सोडा नहीं डाला, मैंने सोडा बिल्कुल नहीं डाला है ताकि ये इसी में क्रिस्पी हो जाए, और वो हमारी मिर्चें तैयार हो गई हैं, तेज़ ही रखा है मैंने चूल्हा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर वो ऑयल पीना शुरू हो जाएंगे, तो तेज़ रखेंगे तो क्रिस्पी भी रहेंगे और सही भी रहेंगे। तो बच्चे आलू के चिप्स बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो अब आप हट जाइए। ये हमारे साहबजादे राज रोज़ा लग गया है और लेटे हुए हैं, सुन हो गए हैं बिल्कुल, लेटे रहिए लेटे रहिए, कोई मसला नहीं, और फिर ये तरावी पे चले जाएंगे, तो मैंने कहा लेटे रहें, दूसरे वाले भी दूसरे साहबजादे वो इंस्टीट्यूट गए हुए हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो अभी खेल रहे हैं, ये नवाब साहब जो हैं अपना गेम खेल रहे हैं, और वाले साहब वहाँ बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट का टाइम आएगा तो ही जाएँगे, और ये बड़े मज़े से अब इस वक्त
खेल में मसरूफ़ हैं। चलिए आप ये खेलते रहें, हम चले किचन में। ये तैयार हो गया आलू की चिप्स। इसके ऊपर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है डालना चाहे डालें, मैं डालती हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं। हो गई है, तैयार है बेटा। वही मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बेसन, नमक भी हसबे जायका क्योंकि मैंने इकबाल चक्की का मसाला डाला है, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और बेसन है, और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर है विदाउट सोडा। ये मैंने अब इस तरीके से सारे डाल दिए। बिस्मिल्लाह। प्लीज़ आप भी कोशिश करें अपने अतराफ में जिनको ज़रूरत है, जिनको आप समझते हैं मुस्तहक हैं, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी हों, प्लीज़ उनकी हेल्प करें, अपने दस्तरखान सजाएं, उनको भी खिलाएं, अब मेहमान नवाजी करें। और ये रमज़ान का महीना है, दूसरा अशरा है। अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन वा तूबि इलैह। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान उम्मत नबी पाक की जितनी भी उम्मत हैं, जितने भी मुसलमान औरत बच्चे हैं, अल्लाह ताला हम सब के कबीरे सगीरे गुनाह माफ़ फरमा, और जो इस दुनिया में नहीं है अल्लाह ताला उन्हें भी मफ़रत फरमा। ठीक है बेटा, अब तैयार हो गए हैं और अब मैं ये बिस्मिल्लाह करके रोल डाल रही हूँ छोटे वाले ये, और हाश मैंने बिल्कुल मीडियम रखी है क्योंकि ये काले नहीं होने चाहिए, अगर काले हो गए तो ये बदमज़ा हो जाएगा। ये हमारे पकौड़े तैयार हो गए। देखें जितना वेस्टेज है वो ऑयल नीचे निकल आएगा, ख़राब नहीं है, वो वापस आप इसी में डाल दें। बटर पेपर यूज़ करें खुदा के लिए, अखबार यूज़ ना करें, और टिश्यू पेपर भी चिपक जाता है। ये हमारे पकौड़े जो कि बाल चक्की के मसाले के हैं, शानदार ये हो गए। इसके ऊपर हमेशा की तरह मुझे आदत है, बच्चे खाते हैं तो मैं चाट मसाला स्प्रिंकल करती हूँ। ये हो गए हमारे पकौड़े तैयार। ये रोल इस पोजीशन पर मैंने निकाली है क्योंकि ज़्यादा ना ब्राउन करूँगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। अब ये लॉलीपॉप हैं, आँच मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं मीडियम रखी है। अब ये लॉलीपॉप मैं इसी के ज़रिए, ये मैंने जो आइसक्रीम स्टिक है ना ये मैंने पानी में भिगो दी तो ये जलेगी नहीं। इसको अब हमने सारी डालने में, अब ये फ्राई हो जाएगी। ठीक है, और अब हम अफ्तारी में मिलते हैं और वहाँ आपसे फिर गपशप होगी, जब वो भी आ जाएंगे सारे बच्चे मिलके दुआ वगैरह करेंगे तो मिलते हैं अफ्तारी में। हम लोग हैं ना अफ्तारी पे बैठ चुके हैं, हमारी अफ्तारी तैयार हो गई है। ये हमारे आज हमने बनाए हैं, तो अब हम अब दुआ की तरफ चलते हैं। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इजाफा फरमाइए। ओ माई गॉड इंक्रीज माई नॉलेज। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हाकुम अत्तकासर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कल्ला सौफ़ा तालमूना सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन लतरवन्नल जहीम सुम्मा लतरवन्नहा अइनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अन्नईम। सदकल्लाहुल अज़ीम। चलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके आप स्टार्ट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कफ़ा बिल मरीज़ इज़्ज़न अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने बगैर तस्दीक करे, दूसरे लोगों को बयान करना शुरू कर दे। अच्छा जी, आप तुख्म लंगा छोड़ें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अख्तर सदकल्लाहुल अज़ीम। चल अब हम ना दुआ की तरफ जा रहे हैं। आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया है, ज़िंदगी में ख़ुद को कभी इंसान का आदि मत बनाना क्योंकि इंसान बहुत खुद गर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है, जब आपको पसंद करता है तो आपकी खामियों को दीजिए। अब हम अफ्तारी करने के लिए, थोड़ी देर में अजान होने वाली है, जाने से पहले हज़रत अली का कॉल है। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अक्ल होती है, मगर इंसान में दोनों होती है। अगर वो अक्ल दबा ले तो जानवर, और अगर ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ता। ये हज़रत अली का कॉल है। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह कल 13वें रोज़े की इफ्तारी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।